नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया और मैं हूं सुंदर सोलंकी। इस वक्त एक और जानकारी आपको बड़ी दे देते हैं जो हरियाणा के राजनीतिक गलियारों से आ रही है। जी हां, संघ ने अपने लेवल पर अब वहां सर्वे कराने शुरू कर दिए हैं। 90 की 90 विधानसभाओं पर जिस तरह से सर्वे एजेंसियों की बात करें, उनकी जिम्मेवारी लगाई गई है। अलग अलग राज्यों से ये लोग सर्वे की जिम्मेवारी लेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका सैंपल साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा। दूसरी बड़ी चीज ये है कि ये अलग अलग फेजेस में होगा और ये जानकारी ताज़ा है कि सर्वे एजेंसीज जो संघ की तरफ से सर्वे करेंगे, BJP का सर्वे अलग है लेकिन संघ का सर्वे अलग होगा और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी टीमें हरियाणा में उतार दी हैं। 90 की 90 विधानसभाओं में ये सर्वे एजेंसियां ये देखेंगी कि कौन से जिताऊ कैंडिडेट हैं, किन पर दाव खेला जाता है। इसके अलावा बड़ी चीज़ ये भी है कि कौन सी इस तरह के मुद्दे हैं जिन पर उस विधानसभा में काम किया जाएगा, जिसमें उन विधानसभाओं के बारे में बोला जाएगा, कैंडिडेट कौन बातों को कौन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाए, ये सर्वे एजेंसियाँ ये सारी रिपोर्ट पेश करेंगी। और बड़ी चीज़ ये है कि संघ के बड़े अधिकारी यानी कि अरुण कुमार जी की तरफ से इस तरह का निर्णय है ये लिया गया है और इस तरह की सर्वे एजेंसीज को ये जिम्मेवारी दी गई है। सहसर कार्यवाह अरुण कुमार जी ने जिस तरह से बता दें कि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जो एक तालमेल होना चाहिए BJP संगठन और संघ में, वो कहीं हरियाणा में मिसिंग तो नहीं, उसे लेकर पहले भी पिछली बैठकों में भी सवाल उठे थे। लेकिन जिस तरह से MP मॉडल में काम हुआ कि संघ और BJP के बीच एक अच्छा तालमेल रहा और नतीजे अच्छे आए और इसी के चलते हुए इस बार हरियाणा में इस तरह की पहल की जा रही है कि संघ किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। संघ खुद अपने एजेंसियों के जरिए ये सर्वे करवा रहा है ताकि 90 की 90 विधानसभाओं में एक सटीक डाटा आ सके जिसके तहत रणनीति बनाई जा सकते, चाहे वो कैंडिडेट के नाम को लेकर हो, चाहे वहाँ मुद्दों को लेकर हो। और इसके अलावा बड़ी चीज़ ये है कि सर्वे में ये भी देखा जाएगा कि कौन से और ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको खड़ा करने से, जिनको अपोजिशन यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला बनाया जा सके, इस तरह की संभावना भी वहाँ से देखी जाएंगी। इसके अलावा बड़ी चीज़ बता दें कि जिस तरह से लगातार ये एक दबाव सा या यूँ कहिए कि एक बड़ा चैलेंज लगातार बना हुआ है कि तीसरी बार BJP को रिपीट करना है, जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार ने किया है और अब संघ और BJP का तालमेल है वो पिछली बैठकों में भी देखने को मिला। और उस बैठक के बाद ये भी तय हुआ कि हर विधानसभा में रैलियां की जाएंगी। विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया गया कुरुक्षेत्र में, वहाँ सभी जो BJP के नेता थे वहाँ इकट्ठा हुए और उसके बाद ये एक जोश भरने की कवायद है BJP के कार्यकर्ताओं में, वो वहाँ से शुरू हुई। लेकिन अब जो मुख्य बात वो ये है कि संघ की जो भूमिका लगातार पिछले हमने देखा कि जो 2024 जो पिछले अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी ये बात निकल कर आ रही थी कि कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की गई है संघ के नेताओं की BJP की तरफ से। लेकिन इस तरह की स्थिति अब हरियाणा में होगी नहीं। हरियाणा में बिल्कुल जो भी फैसले लिए जाएंगे वो संघ और BJP की सहमति से लिए जाएंगे, चाहे वो छोटा फैसला हो और चाहे बड़ा फैसला हो। हालांकि BJP अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, सर्वे एजेंसीज की बात करें, अपने रिपोर्ट कार्ड की बात करें, अपने मंत्रियों के, अपने विधायकों के किस तरह की परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज कर रही है, उस रिपोर्ट को इकट्ठा कर रही है, कौन सी विधानसभा कौन से ज़िले में कौन सा मुद्दा कौन सा काम हुआ है इस पर काम हो रहा है। लेकिन जो बड़ी चीज़ ये है कि संघ पूरी तरह से एक्टिव है, पूरी तरह से जिम्मेवारी के मोड में है और यही बड़ी चीज़ है कि उन्होंने अपने लेवल पे 90 की 90 विधानसभाओं की जिम्मेवारी अपनी जानकार एजेंसियों को दी है। जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद BJP की जो रिपोर्ट है उनके बीच एक तालमेल, एक कोऑर्डिनेशन होगा, जिसके बाद ये रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे फतेह किया जाए हरियाणा को, तीसरी बार कैसे BJP सत्ता में रहे।